कपिल शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ हैं, जिनसे हम बात करेंगे। कपिल जी, पहले तो बहुत मुबारक, आप प्रोड्यूसर बन के वापस आ रहे हैं, एक फिल्म बना रहे हैं पंजाबी, ज़रा इसके बारे में बताएं। थैंक यू सर। ये 12 अक्टूबर को ये फिल्म रिलीज़ हो रही है, सन ऑफ मनजीत सिंह, और बड़ी खूबसूरत पिक्चर है। और जब से हमने ट्रेलर रिलीज़ किया है, हम लोगों को बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है। और क्योंकि अभी तक पंजाब में जो ट्रेंड चल रहा है कॉमेडी फिल्म्स का चल रहा है, और हमने इसमें एक कम्प्लीट पैकेज दिया है, जिसमें हंसी मजाक तो है ही, एक बाप बेटे की बड़ी खूबसूरत कहानी है, जिसमें हम लोगों ने थोड़ा एजुकेशन सिस्टम के ऊपर स्टायर भी है, जो ट्रेडिशनली तौर पे हम लोग उसको फॉलो कर रहे हैं कि यार अगर 8 सब्जेक्ट में बच्चा पढ़ रहा है और अगर एक भी सब्जेक्ट में वीक है तो हम लोग उसका मोरल डाउन कर देते हैं बोल बोल के कि तू, इट डजेंट मीन्स कि इफ़ यू आर फेल्ड इन वन सब्जेक्ट यू आर फेल्ड इन योर लाइफ। जो भगवान ने दिए हैं उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए, उनको भी ऑब्जर्व करना चाहिए, और बच्चे के ऊपर ज़बरदस्ती कोई करियर जो है वो थोपना नहीं चाहिए। जो हम लोग देखते हैं कि एक ना स्टेटस सिंबल बन चुका है, पार्टीज़ में माँ बाप अपने बच्चों के बारे में डिस्कस करते हैं। मैं बहुत बार न्यूज़ देखता हूँ, जो आप ऑब्वियसली मीडिया से हो तो आप लोग भी ये देखते होंगे, कि मैट्रिक के एग्ज़ाम में अच्छे अंक ना लाने पर एक बच्चे ने की आत्महत्या। तो ये सुन के मतलब रूह कांप जाती है कि एक 10वीं में अगर कोई बच्चा पढ़ रहा तो क्या एज होगी उसकी, 14-15 साल। तो छोटी सी जान पर हम लोग इतना उस पर प्रेशर डाल देते हैं कि बच्चे इतने भयानक स्टेप्स जो हैं ले लेते हैं, तो ये क्यों हो रहा है? तो मेरे ख्याल से स्कूल में अगर बच्चा पढ़ता है तो टीचर्स की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि अगर बच्चा चुप है, अगर बच्चा नॉर्मल बिहेव नहीं कर रहा है, तो माँ बाप की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो उसको देखें, मॉनिटरिंग करें कि क्यों हो रहा है, कि हमारा बच्चा नॉर्मल बिहेव क्यों नहीं कर रहा है, खुल के बात करें। क्योंकि एज बड़ी छोटी होती है, कई बार हम झिझक जाते हैं, माँ बाप से बात नहीं करते हैं। कुल मिला के ऐसा लग रहा है कि पेरेंटिंग के ऊपर फिल्म है। जी, पेरेंटिंग के ऊपर भी है, और इसमें टीचर्स के लिए भी कुछ सुझाव हैं और बच्चों के लिए भी। ऐसी बात नहीं कि हम लोग सिर्फ बच्चों को बोल रहे हैं कि बच्चा बिल्कुल सही है अपनी जगह, क्योंकि कई बार हम छोटी उम्र में ऐसे ऐसे फैसले ले लेते हैं या ऐसा सोचते हैं जो कि शायद फ्यूचर में हमारे लिए सही ना हो। तो पेरेंट्स ऑब्वियसली दे आर देयर टू हेल्प अस टू हेल्प देयर किड्स। ज़रूरी था जो आप इशू उठा रहे हैं। कपिल जी, अब एक आपके शो का बहुत इंतज़ार रहता है लोगों को, सुनने में आ रहा है कि वो भी शुरू करने जा रहे हैं। जी सर, हम लोग शायद नेक्स्ट मंथ हमारा शो शुरू हो जाए सोनी टीवी पर ही, द कपिल शर्मा शो सीज़न 2, और लोगों को बहुत इंतज़ार है, और मुझे उन लोगों से भी ज़्यादा इंतज़ार है कि यार मैं भी ज़्यादा देर बैठ नहीं सकता हूँ। और ऑब्वियसली सोशल मीडिया पे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि आप लोग कब शो शुरू कर रहे हो, तो बस आप लोगों का प्यार है, ब्लेसिंग्स हैं, बेस्ट विशेज हैं, हम लोग जल्दी शो शुरू कर रहे हैं। जी, और खबर आ रही है कि आप बहुत जल्द शादी करने जा रहे हैं, तो तैयारियाँ पूरी धूमधाम से चल रही हैं? बड़े सालों से खबर आ रही है जी, अभी तक कोई डेट ऐसी डिसाइड हुई नहीं है, पर जी हाँ, मुझे ये अभी फ़िलहाल मैं फोकस कर रहा हूँ सर कि मेरी ये फिल्म जो है 12 अक्टूबर को रिलीज़ हो जाए, उसके बाद मैं टीवी पे, क्योंकि अगर मैं शादी करूँगा तो बीवी को कमा के खिलाना भी तो है कि नहीं, तो साथ में अपना शो भी शुरू हो जाए, उसके बाद फिर इस पे फोकस किया जाएगा। कपिल जी, आजकल आपको पता ही है कि मी टू कैंपेन चल रहा है, जो विक्टिम्स हैं सेक्सुअल हैरेसमेंट की, वो अपनी आवाज़ उठा रही हैं, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? सर मैं, चलो ये एक ट्रेंड हो जाता है अपने, आजकल एक नई चीज़ चली है हैशटैग, तो उसके ऊपर हैशटैग करके उसके ऊपर कोई भी प्रॉब्लम लिख देते हैं, फिर उसके ऊपर चर्चा करनी शुरू कर देते हैं, और फिर एक दो दिन बाद वो चर्चा बंद हो जाती है। मैं ये सोचता हूँ कि अगर जैसे हमारी फिल्म इंडस्ट्री के बारे में भी चर्चा हो रही है जी, तनुश्री दत्ता के केस में, तो सिर्फ अच्छा वो तनुश्री पब्लिक फिगर है तो इसलिए वो न्यूज़ हाईलाइट हुई होनी भी चाहिए कि अगर किसी के साथ कुछ गलत होता है, हालांकि मुझे पूरा उस इंसिडेंट के बारे में पता नहीं है, क्योंकि दोनों साइड की स्टोरी अपनी अपनी स्टोरी होती है, मुझे उसके बारे में पता नहीं है, तो बिना कुछ पूरा स्टोरी को समझे बिना मैं उसके ऊपर अगर कमेंट करूं तो वो मेरी बेवकूफ़ी होगी। लेकिन हाँ, अगर ऐसा कुछ होता है या हुआ है, वो चाहे कोई भी फील्ड हो, ये नहीं है कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री में लोग लाइमलाइट में हैं तो सिर्फ उन्हीं की बात की जाए। मैं बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ देखता हूँ सर, जिसमें अभी हाल ही में मैंने देखा था, पता नहीं MP का वीडियो था कि बिहार का वीडियो था, उसमें लड़की एक अपने बॉयफ्रेंड के साथ जा रही है बाइक पर, उसको 4-6 लड़कों ने रोक लिया और लड़की को खींच रहे हैं, उसको मार रहे हैं, लड़के को पीट रहे हैं, और लड़की बेचारी दुपट्टे से अपना मुंह ढक रही है और उसको बोल रहे हैं दुपट्टा नीचे कर। क्या क्राइम किया उसने? वो अपनी मर्जी से बाली गया लड़की, अगर वो किसी को प्यार करती है या उन लोगों ने कुछ ऐसे लाइफ में डिसीजन लिए हैं कि आगे चल के हम लोग शादी करने वाले हैं। ये जो आजकल घटिया किस्म के लोग मार्केट अपनी सोसाइटी में घूम रहे हैं, जो अपने सिर्फ उनके मोबाइल में कैमरा लगा हुआ और सिर्फ अपने 4 लाइक्स बढ़ाने के लिए
ये लोग शूट कर रहे हैं, इनको किसने हक दिया? मुझे लगता है ये केस भी एक्सपोज होने चाहिए, और ऐसे 5-6 लोगों को अगर एक बार हमारी गवर्नमेंट जो है, पुलिस जो है, एक बार सजा देगी, तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी हरकत करने की सोचेगा। तो ये सब मुद्दे भी आने चाहिए, पर प्रॉब्लम ये है कि हमारा मीडिया खाली उन्हीं लोगों को उठाता है जो लाइमलाइट में है, जिनको पता है कि चलो इनके बारे में लिखेंगे तो इनके फैंस उस न्यूज़ को फॉलो करेंगे, 4 लाइक्स आएंगे, 4 डिसलाइक्स आएंगे। मुझे लगता है कि मीडिया सर 4th पिलर है हमारी डेमोक्रेसी का, तो आप लोगों के पास बहुत बड़ी पावर है, अगर आप सही इस्तेमाल इसका करें और दिल से ऐसे लोगों को एक्सपोज करें जो ये सब करते हैं, तो मुझे लगता है कि एकदम से नहीं लेकिन धीरे धीरे सोसाइटी बदलेगी ज़रूर, लोगों की सोच बदलेगी। जी, हमने मीडिया की बात की तो एक जहन में इंसिडेंट याद आता है या रिपोर्ट्स ही इस तरह की, कुछ मराठी किसी बॉम्बे में किसी रिपोर्टर के ने एलिज किया था कि आपने उनसे मिसबिहेव किया, कुछ बात करना चाहेंगे उस बारे में? आपको पूरा पता सर उस न्यूज़ के बारे में? वो लिखा गया था कि अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, वहाँ पे पार्टी हो रही थी, हम सब लोग नाच रहे थे, और ये बड़ी पुरानी न्यूज़ है सर, और किसी ने एक्चुअली मेरे ऊपर क्लेम भी नहीं किया। तो वही बात है ना कि नेगेटिविटी बड़ी बिकती है, अकॉर्डिंग टू सोर्सेज एक आदमी ने लिखा, आगे आदमी ने दूसरे पोर्टल के लिखे अकॉर्डिंग टू फलाना सोर्सेज, अकॉर्डिंग टू दैट पोर्टल, तो आगे अपनी नेगेटिव न्यूज़ बेचते रहते हैं। इसमें कोई भी सच नहीं था, ना ही किसी ने बोला कुछ, तो रबिश न्यूज़ थी, मैं उसके बारे में बोलना नहीं चाहता था। कपिल जी, पहले आप काफ़ी एक्टिव रहते थे सोशल मीडिया पे, आजकल थोड़ा कम नज़र आते हैं, कुछ चेंजेस किए हैं आपने अपने? नहीं सर, बीच में मैं थोड़ा सोशल मीडिया से दूर था, क्योंकि इतनी नेगेटिविटी है ना सर, न्यूज़ चैनल भी उठा लो कोई ढंग की न्यूज़ नहीं सुनने को मिलती है, तो सोशल मीडिया पे भी चले जाओ। और जैसे आप अभी ये बात कर रहे थे कि मी टू कैंपेन, मुझे लगता है कि ऐसी कैंपेन भी चलनी चाहिए जो डिजिटल वर्ल्ड पे लोग कुछ भी लिखते हैं, इतनी अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करते हैं, जो नीचे कमेंट्स में अगर किसी लड़की ने कुछ अपनी उसकी मर्ज़ी है, जैसी मर्जी ड्रेस पहने, वो इस देश की नागरिक है, उसको भी पूरे हक हैं, नीचे पता नहीं क्या क्या बकवास लिखते हैं। पिछले दिनों आपने देखा होगा बहुत सारी हीरोइंस के साथ ऐसा हुआ है, अभी अमीषा पटेल का एक केस आया था, उन्होंने उनकी ड्रेसिंग सेंस के ऊपर, उनकी ड्रेस के ऊपर कुछ लोग कमेंट्स कर रहे थे। तो ये अब मोबाइल डाटा फ्री मिल जाता, बहुत सारी कंपनीज ने ना डाटा फ्री दे दिया लोगों को, उसकी वजह से जो आदमी जिसकी सोच भी नहीं है वहाँ तक सोचने की या पहुँचने की, वो भी अपने कमेंट्स रखो, आपको पूरा हक है, लेकिन गंदी शब्दावली का प्रयोग क्यों करते हो आप? आपके घर में भी माँ बहनें हैं, ठीक है ना, हर एक की अपनी सोच है, अपना ड्रेस, वो जैसे मर्जी पहने, आप कौन होते उसको रोकने वाले? तो ये सब चीज़ें भी सर ये उठानी चाहिए, ये मुद्दे भी। मैं दिन में वहाँ पे जहाँ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, आप सुन रहा था आपको, तो आपने वहाँ एक इंटरेस्टिंग जिक्र छेड़ा कि कहीं पे आपने शराब पी ली थी लेकिन पीनी नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि कुछ आप लाइफस्टाइल में चेंजेस कर रहे हैं या किए हैं? बहुत सर, क्योंकि मैंने जैसे बताया ना कि मैं बाहर निकलते हैं घर से तो लाखों लोग आपको जानते हैं, प्यार करते हैं, मिलते हैं। मेरी लाइफ में कई बार ऐसा होता है, फेस आता है, हर किसी आदमी के लाइफ में फेस आता है। अब हम लोग क्या पब्लिक फिगर हैं, तो हमारे से जुड़ी बातें जो हैं सब सामने आ जाती हैं, लेकिन अगर एक आम आदमी के साथ कुछ बुरा हो रहा है या अच्छा हो रहा है, वो सामने नहीं आता। मेरी उस समय होता है, कई बार आपका दिमाग नहीं काम करता है, तो मैं गलत संगत में कह लो या गलत काम करने शुरू कर दिए थे। गलत काम क्या थे? मैं वर्कोहोलिक हूँ, इफ़ आई एम नॉट वर्किंग तो मैं रह नहीं पाता हूँ। मैंने बहुत ये सब पीना वीना शुरू कर दिया था, पर ठीक है, वो मेरी गलती भी थी, लेकिन अगर इंसान को पता हो कि वो गलत कर रहा है तो वो गलत करेगा नहीं शायद, तो उस समय इंसान को पता नहीं होता। मैंने बड़ा ये सब ड्रिंक विंक करना शुरू कर दिया था, फिर एक टाइम पे मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार, मुझे अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान देना है, मेरे माँ बाप, मेरे माँ की बहुत सारी एक्सपेक्टेशन है, मेरी जिम्मेदारी है, मुझे पाल पोस के बड़ा किया, मेरी जिम्मेदारी बनती है, तो वो सारी चीज़ें कट ऑफ हो गई। बहुत बढ़िया, आयुर्वेदा ग्राम गया मैं अपना, वहाँ पर रहा, योगा, मेडिटेशन और आयुर्वेदा ट्रीटमेंट लिया। सो मैंने सारी बैड हैबिट्स जो हैं अपनी वो क्विट कर दी हैं, जो मुझे पीछे ले जा सकती थी। सो ठीक है, हर आदमी सीखता है सर, तो मुझे लगता है मैंने बैचलर लाइफ इतनी देखी है, हॉस्टल लाइफ में इतना रहा हूँ, इस फील्ड में ट्रैवलिंग इतना किया, अलग अलग लोगों से मिलते हो आप, तो पर मैं अगर ये कहूँ कि मैं शुरू से ही ऐसा होता, बिल्कुल जी वैष्णो, मैंने तो कभी शराब को हाथ नहीं लगाया, ये सब ऐसा होता नहीं, एक्चुअली होते भी लोग जिन्होंने कभी ऐसा कुछ नहीं किया, पर आदमी अपनी लाइफ से सीखता है, उसके एक्सपीरियंस से सीखता है, तो मैंने भी सीख रहा है और सीख रहा हूँ, ऐसा भी नहीं है कि मैं सब कुछ सीख चुका हूँ। मुझे लगता है आदमी जब तक आखिरी सांस नहीं लेता है वो तब तक सीखता रहता है, सो मैं भी उनमें से एक हूँ।